नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो मैं आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। और यहां पे दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला वो है आपका उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर भर्ती जिला प्रयागराज के साथ अन्य चार जिलों की जो भर्ती जारी हुई थी उसका ज्वाइनिंग लेटर से अपडेट यहां पे दोस्तों निकल के आ रहा है। तो आप सोच रहे हो कि मैं इतने रात में आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आज ये रात में बनाने का बहुत बड़ा कारण है कि जो आपके जो है 23, 24, 25 फरवरी को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था प्रयागराज बस कंडक्टर भर्ती को लेकर लखनऊ में, उसके ज्वाइनिंग लेटर के लिए दोस्तों आपको मेल भेजा जा रहा है। तो लगभग सभी को मेल भेजा जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो कंपनी कर रही है क्या सही कर रही है, सिर्फ चूतिया बना रही है, लड़कों के साथ ही खेला जा रहा है। एक दिन में क्या डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा? अगर मेरा ये वीडियो डॉक्यूमेंट बना दिखाओगे, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ क्या मेल किया जा रहा है। और देखिए, कल पड़ेगा सैटरडे और अगले दिन पड़ जाएगा संडे, एक दिन में बच्चे कैसे बनवाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट? 5 डॉक्यूमेंट आपने दिया है, आप एक, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि जो कंपनी वाले हैं एक डॉक्यूमेंट बना के दिखा दो तो मैं जानूंगा। वो मैं डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ खुद, आप लोग जो बस कंडक्टर लाइसेंस है एक दिन में उसको बनवा के दिखाओ, बाकी तुम डॉक्यूमेंट छोड़ दो जितने भी हैं, एक डॉक्यूमेंट मुझे सिर्फ बना के दिखा दो। तो जब पॉसिबल नहीं है एक दिन में बनना, तो आपने जानबूझ के, कंपनी वालों ने जानबूझ के आज शाम से मेल करना शुरू किया है और मेल आ रहा है लड़कों के पास, लेकिन लड़कों को एक दिन का समय दिया गया, वो भी कल सैटरडे है और परसों संडे है। एक दिन में उनको 5 डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उनको मेल भी करना है, और नहीं किया जाए तो उनको बाहर किया जाएगा। ये सीधा सीधा चूतिया बना रहे हैं कंपनी वाले। हाँ देखिए, कुछ लोगों के पैसों की मांग हो रही है लेकिन कुछ लोगों के पैसों की मांग नहीं हो रही है। अब देखिए इसमें गेम कैसे फंसा है कि एक दिन में आप जो है डॉक्यूमेंट बनवा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मैं गारंटी से लिख के कह रहा हूं कि आप एक दिन में डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, चाहे आप 4 हाथ पैदा कर लीजिए अपने अंदर। अभी मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, जो कंपनी वाले कर रहे वो ठीक नहीं है, ये लड़कों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी, बेरोजगार लड़कों को परेशान किया जा रहा है। अभी इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट, आप लोग राय दीजिए इस पे, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, यूनिटी बनाइए, नहीं तो जॉब किसी को नहीं मिलेगी। सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है, जानबूझ के एक दिन का जो है इसमें टाइम दिया गया ताकि लड़के कर नहीं पाएंगे, और आप कर नहीं पाओगे तो आप कहोगे कि सर कोई और रास्ता निकालिए, तो रास्ता निकालिए तो कहेंगे कुछ पैसा दीजिए, यानी कि आप, वो खुद पैसा नहीं मांगे, आप खुद बोलोगे भाई मजबूरी में फंसे हो, 25,000 की डीडी बनवा लोगे, जब 25,000 की डीडी बनवा लोगे 15,000 की वो खराब चली जाएगी, तो आप उनसे पूछोगे सर कोई रास्ता हो देखिए, तो कहेंगे 2 दिन का टाइम है, 25,000 दो, 50,000 दो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्यूमेंट, जिनके पास मेल, आप जिन्होंने नहीं चेक किया वो लोग चेक करें, और देखिए मेल में क्या आया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए ये मेल सभी के पास आ रहा था, देखिए ये टाइप किया गया है आपका 2 तारीख को, 2 तारीख को बनाया गया, आज हो गई 3 तारीख, ये आज शाम को भेजा गया है, ठीक है। अभी देखिए SS एंटरप्राइजेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ईमेल, प्रिय आवेदक, इसमें लिखा क्या है ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रयागराज UPSRT व SS एंटरप्राइजेज के मध्य संविदा परिचालक आपूर्ति एवं उनसे कार्य लेने का अनुबंध मात्र 1 वर्ष के लिए है, ध्यान से देख लीजिए, मात्र 1 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, कर्मी SS एंटरप्राइजेज संस्था के कर्मचारी होंगे, क्लियर हो गया, कर्मी स्थायी होने का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ रहे हैं, इसमें मात्र 11 महीने का अनुबंध है। उसके अलावा आप 3रे नंबर पर देख पा रहे होंगे कि इस पर आप कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्होंने पहले से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर पे, संविदा कर्मी को कुल 25,000 रुपये प्रतिभूत राशि देनी होगी जो कि SS एंटरप्राइजेज रायबरेली के पक्ष में दे होगी, 3 कार्य दिवस में आवश्यक रूप से संस्था के कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसमें 15,000 की डिमांड ड्राफ्ट सहमति पत्र के साथ 10,000 मासिक वेतन भुगतान से एक बार में काट लिया जाएगा, जिसकी रसीद मूल रूप से कर्मी को सुरक्षित रखनी होगी, जिससे सेवा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने पर नियोक्ता विभाग से NOC लाने पर वापस कर दिया जाएगा, किसी भी दशा में कैश स्वीकार नहीं होगा। इन्होंने ये तो मेंशन कर दिया किसी प्रकार से यहाँ पे कैश स्वीकार नहीं होगा, तो इतनी बुद्धि नहीं थी इन लोगों के पास कि हम इनको कितना, अच्छा 3 कार्य दिवस का समय दिया गया, तो आप मुझे बताइए 3 कार्य दिवस कैसे हुआ, आज आपने भेजा, आज का कोई टाइम बचता नहीं है, कल हो गया सैटरडे, तो आपने तो एक दिन का टाइम दिया ना, तो आपने 3 कार्य दिवस इसमें क्यों मेंशन किया आपने? अगर 3 कार्य दिवस का मतलब ये होता है कि छुट्टी छोड़कर, यानी कि सैटरडे मतलब संडे छोड़कर, तो संडे तो भाई आपका 5 तारीख को संडे पड़ ही रहा है, संडे आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो आपने तो एक दिन का समय दिया ना, आपने इसमें 3 दिन क्यों मेंशन में मेंशन किया, ये दिखाने के लिए कि हमने 3 दिन समय दिया, बिल्कुल नहीं दिया गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 25,000 रुपये आपको लगेगा, जिसमें आपको 15,000 रुपये का DD बनवाना है, ठीक है।
जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो 10,000 रुपये उसमें से आपका काट लिया जाएगा, जो आपका रिफंडेबल होगा। रिफंडेबल का मतलब है जब आप जॉब छोड़ेंगे, NOC देंगे, तो आपको जो 25,000 रुपये है वो आपको वापस किया जाएगा। लेकिन वो तब वापस किया जाएगा जब आपका कार्य संतोषजनक पाया जाएगा, यानी कि आप कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे एक साल के अंदर, तभी वापस किया जाएगा, नहीं तो वो 25,000 भी लैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप मेरी बात, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देख समझ लीजिए। 5वें नंबर पर संविदा कर्मी को 1.59 रुपये रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर मानदेय भुगतान किया जाएगा। 1 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो 1 × 1.59, यानी कि 1.59 रुपये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 किलोमीटर से, ठीक है? अगर आप काम करेंगे तभी मिलेगा, काम नहीं करेंगे 0। अभी समझ रहे हैं ना? जितने किलोमीटर, मान लो आप 100 किलोमीटर चले हैं दिन भर में, तो 100 × 1.59 कर लीजिएगा, जो बनेगा वही आपकी सैलरी होगी, इसमें फिक्स नहीं है। चलिए दूसरी बात समझ लीजिए आप, संविदा कर्मी का मानदेय नियमित और फिक्स नहीं होगा। इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया, अपनी सफाई पहले से दे रहे हैं। अभी देखिए, संविदा कर्मी के मानक से ड्यूटी कम करने पर, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर, WT करते हुए पकड़े जाने पर, बिना बताए ड्यूटी ना आने पर, मानक से कम लोड फैक्टर लाने पर, दुर्व्यवहार करते पकड़े जाने पर, विभाग अथवा कंपनी की छवि धूमिल करने के प्रति घटना विभागीय पेनाल्टी के साथ कंपनी की तरफ से पेनाल्टी लगाई जा सकती है, या प्रतिभूत धनराशि जब्त करते हुए संविदा समाप्त की जा सकती है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब ये सोचिए, आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये आपको बांध रहे हैं, ठीक है ना? एक नौकर बना के रखेंगे, आप जान लीजिए। आगे देखिए, संविदा कर्मी एवं संस्था के मध्य 11 माह का अनुबंध है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अभी देखिए, उपयुक्त नियम और शर्तों पर यदि आप कार्य करने के लिए इच्छुक हैं तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फोटो युक्त सहमति पत्र नोटरी, ठीक है, आपको 10 रुपये का स्टाम्प में सहमति पत्र नोटरी बनवाना है, जैसे कि आपने इससे पहले बनवाया होगा जब आप 23, 24, 25 फरवरी की डेट में गए होंगे। उसके अलावा पुलिस सत्यापन, कंडक्टर लाइसेंस, MBBS डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस, स्वप्रमाणित तथा प्रतिभूत राशि का डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन प्रति, फोटो संस्था की ईमेल ID तथा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा 5 मार्च 2023 तक मूल रूप से प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके आवेदन को मेरिट सूची से बाहर कर दिया जाएगा एवं पुनः किसी प्रकार के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आप ये बताओ कंपनी वालों मुझसे कि एक दिन में क्या तुम्हारे अंदर दम है कि पांचों आप डॉक्यूमेंट बनवा लोगे? चूतिए समझ रखे हो। यहाँ पे आप देखो क्या क्या मांगा है। नोटरी चलो हम एक दिन में बनवा लेंगे, मान लेते हमने बनवा लिया, बहु भाग दौड़ हमने किया, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, ठीक है, एक दिन का पूरा तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट में लग जाएगा। आप जाके देखिए, सरकारी जिला अस्पताल पहुंचे, फिर वहाँ का हाल देखिए कैसे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं वो। फिर यहाँ पे देखिए, सबसे दिक्कत ये है, ये आपका पुलिस सत्यापन और कंडक्टर लाइसेंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में। एक दिन में ये पॉसिबल होने, कोई भी अगर है बना के दिखाए मुझे पांचों डॉक्यूमेंट एक दिन में। और देखिए, अगर इनको टाइम देना था, इनको अगर भर्ती में शामिल करना है तो इनको कम से कम 5 दिन का समय बच्चों को देना चाहिए। भाई आपने जो संडे को चुना, आपने मंडे को भेज देते या छुट्टी बाद आप भेज देते, जब इतने तारीख हो रही थी तो आप संडे का जानबूझ के इंतजार कर रहे थे कि शुक्रवार को भेजेंगे, शुक्रवार को शाम को भेजेंगे, शुक्रवार तो खत्म, शाम को भाई सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, अब बचेगा शनिवार, शनिवार को दिन भर उखाड़ो और संडे को भाई संडे भी आपको हो गया बंद। तो भाई एक दिन का आपको समय दिया, एक दिन में जो उखाड़ना चाहो उतना उखाड़ चोत लो। अब पूरी तरह से जितने बच्चों को मेल किया गया सिर्फ उनको चूतिया बनाया जा रहा है, इनका होगा ही नहीं क्योंकि एक दिन में डॉक्यूमेंट बनवाए नहीं जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं भेजते एक दिन के अंदर तो आपको मेरिट सूची से बाहर कर दिया जाएगा। आप जब मेरिट सूची से बाहर होंगे तो ये अपने लड़कों को भरेंगे, और अपने लड़कों को नहीं भरेंगे तो भाई आप जब बाहर होंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपसे पैसा मांगेंगे और आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या तरीका अपना रही कंपनी, वाह भाई वाह। इनका देखिए है ना, इनको सुबह बिल्कुल 10 से लेकर 4 के बीच में फ़ोन करो, और ये संडे को ऑफिस खोलेंगे। देखिए संडे को ये ऑफिस खोल सकते हैं, इनका जब मन होगा तब करेंगे, आप नहीं कर सकते। आप करोगे तो कहेंगे सुबह फ़ोन करो, शाम को फ़ोन करो। ये क्या है, सरासर चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों शेयर करो। यहाँ पे चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, सीधा चूतिया बनाया जा रहा है बच्चों को, बेरोजगार बच्चों से जो चूतिया बना के पैसा सिर्फ ऐठा जा रहा है। सरकार भी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर योगी सरकार तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो बेरोजगार जो ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा, अगर ये मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो बच्चों के साथ जो भी है यहाँ पे बच्चों के साथ वो इंसाफी की जाए, ठीक है? बिल्कुल गलत हो रहा है, और यहाँ पे बेरोजगार बच्चे बहुत परेशान, कितने दूर दूर से यहाँ पे दोस्त जो है लड़के पहुँच रहे थे,
क्योंकि मैं बता नहीं सकता आपसे। तो ये बेरोजगारी का आलम है और इसी में जो है फायदा उठा रही हैं ये जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं। ठीक, तो देख लिया आप लोगों ने मेल, ये मेल है। तो बताइए आप लोग ये पांचों डॉक्यूमेंट एक दिन में बनवा सकते हो क्या? नहीं बनवा सकते ना। इन कंपनी वालों को कम से कम 5-6 दिन का समय देना चाहिए डॉक्यूमेंट बनो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए मेडिकल भी बनवाना है, ठीक है, आपको शपथ पत्र भी तैयार करना है, आपको बस कंडक्टर भर्ती का वो जो आपका बस कंडक्टर का जो लाइसेंस है उसको भी बनवाना है, DD भी बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवाना है। एक दिन में का 50 तो हो जाएगा क्या? एक इंसान इतना कॉमन सेंस नहीं रखते हैं क्या? इसके ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो अगर मेरा पहुँच रहा है उत्तर प्रदेश रोड बस कंडक्टर भर्ती प्रयागराज में जो चल रही है इस समय, लखनऊ वाले जो SS एंटरप्राइजेज वाले हैं ये आप लोग गलत कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर भर्ती प्रयागराज जो आपका मुख्यालय है राजरूपपुर में, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक ऑफिस तक पहुँच रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस पर आपको जो है आवाज़ उठानी चाहिए और कंपनी को आदेश देना चाहिए कम से कम बच्चों को 4-5 दिन का समय दिया जाए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करिए और आप लोग जुड़िए और सभी लोग कमेंट करिए कि किसके किसके पास ये मेल आया है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन में बनवा सकता है? अगर बनवा सकता है तो मुझे कमेंट जरूर करें। कोई पैसा नहीं देगा ये ध्यान रखना। आउटसोर्सिंग की भर्ती आपने देखा होगा कुल 11 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, कोई पैसा नहीं देगा, जानबूझ को कंपनी ऐसा कर रही है। अभी हम लोग यूनिटी बनाएंगे और आवाज़ उठाएंगे और इनको डेट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ में आया आप लोगों को? जैसे कानपुर भर्ती वाले में यही हो रहा था, जब आवाज़ उठाई गई सिलेंडर हो गए कानपुर वाले, समझ आ रहा है ना। तो अगर आप लोग यूनिटी नहीं बनाओगे तो ये कंपनी वाले आपको चूतिया बना के आपसे पैसे ले लेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को ना? तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सभी लोग कमेंट करिए और एकत्रित रहिए। कल अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। आओ यहाँ बताइएगा कि किसको किसको मेल आया है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या सकता है तो जरूर बताए। कमेंट जरूर करिएगा कितने लोग इस भर्ती से रिलेटेड हैं, तभी इसमें कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। आप लोग यहाँ पर गए हो लखनऊ, पैसा भी बर्बाद किए हो और कुछ नहीं हो पाएगा, टाइम टाइम फीस, समझ रहे हो ना। तो तभी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा जब आप यूनिटी बनाओगे, इकट्ठा होइए और इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और कमेंट करिए, समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।